तो नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो चीजें आती हैं इंसानों को मैनेज किया और कंप्यूटर्स को मैनेज करें कोर्स का हमने ओवरव्यू देख लिया आउटलाइंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तो इट्स बेसिकली द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ठीक है अगर यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन को देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट कंसर्नस द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम देखें इसके अंदर आप दो चीजें आती हैं कि यूजर्स को मैनेज करना है हमने और कंप्यूटर्स को मैनेज करना है तो नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो चीजें आती हैं इंसानों को मैनेज किया है और कंप्यूटर्स को मैनेज करें इट इज अनयूजल एज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन दैट इट एड्रेस बोथ द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजी ऑन एन इक्वल बेसिस इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट uh, यह है कि अगर मैं इसको यहाँ पर एक सीसा बनाऊं, जी इस साइट पर अगर मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ये लिखता हूँ कि इसके अंदर वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइक like हमने कौन कौन से ग्रुप पॉलिसीज़ कौन कौन से रूल्स कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते platforms को, tools को यूज हुए प्लेटफॉर्म्स को टूल्स को यूज़ किया हुआ है और उसके अगेंस्ट जो हमारे यूज़र्स हैं जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं हमने बेसिकली इनडायरेक्टली यूजर्स को मैनेज कर रहे होते हैं बट उनको मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज हम लगा रहे होते हैं जो टूल्स हम यूज कर रहे होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं वो हमारे सिस्टम के ऊपर यूज होते हैं यानी कि हमने सारी चीजें सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल करनी होती हैं बट क्योंकि उन सिस्टम्स के साथ हमारे यूजर्स इंटरेक्ट होते हैं तो हम इनडायरेक्टली यूजर्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो इट्स बेसिकली आ सीसा जिसके अंदर हमें इस चीज़ को बैलेंस रखना होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़र हमारे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसके दरमियान में बैलेंस होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें ऐसी ऐसी पॉलिसी यूज़ करें ऐसा टूल यूज़ करें जिसकी वजह से ये जो हमारे यूज़र्स हैं ये इनका फीडबैक अच्छा ना हो और ये डिस्टर्ब हो जाएं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बातें कर रहे हो ये इनको उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज हों ठीक है तो फिर क्या होगा फिर ये जो टेक्नोलॉजी वा टेक्नोलॉजी वाला बॉक्स है इसका वेट ज्यादा हो जाएगा ये वेन कर जाएगा यानी कि आपने टेक्नोलॉजी लिए तो बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया बट वो यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है यूजर्स उसके खुश नहीं है यूजर्स उसको यूज करना नहीं जानते तो फिर क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसबिलिटीज आ जाएंगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं होगी तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाएंगे अगर आप यूजर्स और टेक्नोलॉजी को मैनेज नहीं कर सकते ठीक है तो इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम्स उन्होंने देखना होता है कि जो यूजर्स हैं और जो कंप्यूटर्स हैं इन दोनों को मैं कैसे बैलेंस रख सकता हूं ठीक है इट इज यानी कि आपने एक सिस्टम के ऊपर जो चीज इंस्टॉल की है अब अगर वो उस चीज में प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक आपने सिस्टम में विंडोज की और उस विंडोज में बार बार प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या यूजर सेटिस्फाइड होगा नहीं होगा वो क्या कहेगा यार ये ये जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर है ये जो लैब वाला बंदा है ये अच्छा नहीं है मेरे सिस्टम में बार बार इशू आता रहता है प्रॉब्लम आता है ये तो ये कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है वो लैब वाले को भी बुरा भला कह रहा होगा वो टीचर को भी बुरा भला कह रहा होगा वो यूनिवर्सिटी वालों को भी बुरा भला कह रहा होगा वो इंतजामियों को भी बुरा भला कह रहा होगा लेकिन इसके पीछे गलती किसकी है उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है जो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा जो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व uh, नहीं कर पा रहा और यूजर्स के लिए आसानी नहीं क्रिएट कर रहा तो इस तरह फायदा क्या होगा ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करने का ठीक है उसके बाद अब देखें नेटवर्क और सिस्टम ये दो फील्ड्स हैं ये एक फील्ड नहीं है बास कंपनीज के अंदर नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स होती हैं बाज कंपनीज के अंदर सिर्फ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है बाज कंपनी के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो ये बेसिकली दो डिफरेंट फील्ड हैं अगर हम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो हमें ये दोनों जॉब जो हैं ये अलग से पोस्ट करनी होती हैं और इसके लिए अलग से बंदे जो हैं वो हायर करने चाहिए बट पाकिस्तान के अंदर बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे उस तरह से ड्यूटीज जो हैं वो सेग्रेटाइज नहीं की जाती कि यहाँ पे ये नॉर्मली uh, प्रैक्टिस ये है कि एक ही बंदे से हम ज्यादा से ज्यादा काम ले रहे होते हैं तो दैट इज़ द प्रॉब्लम असल में ये दोनों फील्ड अलग हैं अब ये दोनों फील्ड अलग किस तरह से हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि आपकी जो नेटवर्किंग की डिवाइसीज हैं यानी कि आपकी डिवाइसिस आपस में कनेक्ट कैसे होंगी यू ऑल नो दैट स्विचेस हम यूज करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लैन डिज़ाइन करने के लिए और हम राउटर यूज़ करते हैं वैन को डिज़ाइन करने के लिए अगर हमने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द लैन कम्युनिकेट करना हो तो हम वैन नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं राउटर यूज़ किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क के दरम्यान कम्युनिकेशन के लिए स्विच हम यूज़ करते हैं विद इन अ सेम विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं तो अब ये देखें स्विचेस राउटर्स ये यूज हो रहे हैं आपस में डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए तो दिस इज पार्ट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो किस क्वालिटी की कितनी क्वांटिटी में स्विचेस मंगवा रहा है वो कितनी क्वांटिटी में राउटर्स मंगवा रहा है वो आईपी प्लान किस तरह से कर रहा है किस डिवाइस को कौन सा आईपी असाइन कर रहा है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं यानी कि जो क्लाइंट्स मशीनस हैं जो आपकी विंडोज सेवन मशीन है चाहे वो विंडोज़ टेन है विंडोज़ एट है जो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये वाली मशीन्स हैं इनको कैसे मैनेज करना है और इनको मैनेज करने के लिए हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं सर्वर के जरिए आपके कंप्यूटर से मैनेज होते हैं सर्वर के जरिए आपके स्विचेस और राउटर्स इनको मैनेज करने के लिए एस एन एम पी टूल्स होते हैं वो और चीज है एनएमएस यूज किया जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स वो कोई सर्वर नहीं होता वो बेसिकली एन एम एस टूल होता है वो आप उसको इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं सर्वर पे वो सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है इसलिए Normally उसको कहा जाता है कि जी ये भी एक सर्वर है बट उस सर्वर की जो एक्सेसिबिलिटी है उस टूल को यूज करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स दिए जाते हैं बट क्योंकि वो टूल जो है वो सर्वर पर इंस्टॉल्ड होता है तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टूल सही तरह से वर्क करे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने उस टूल को यूज करके करना क्या है अपने स्विचेस को देखना है अपने राउटर्स को देखना है अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस को उसने देखना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो बट सर्वर का काम क्या है सर्वर का काम यह है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो कि यूजर्स ने यूज करने हैं चाहे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बंदा हो चाहे वो आम यूजर हो चाहे वो एच हो चाहे वो डीन हो चाहे वो स्टूडेंट हो जो भी यूजर हो उस कंप्यूटर का उस यूजर्स को मैनेज करना एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है तो यहां पे पढ़ लेते हैं जैसा कि लिखा हुआ है कि अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स फॉर द यूजर्स सो दैट दे कैन यूज द सिस्टम टू प्रोड्यूस वर्क। वंस अ कंप्यूटर इज अटैच टू द इंटरनेट वी हैव टू कंसिडर द कंसिक्वेंसिस ऑफ बींग डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड ये तो एक प्रॉब्लम कर रहे हैं कि अगर एक कंप्यूटर के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई पर ना जाए इंटरनेट तो पर जा सकता है तो फिर आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे फिर उसके सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं बहुत सारे जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है ठीक है टर्म्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन

ठीक है यानी कि उनकी बेशक नेटवर्किंग आपस में हुई हुई है या नहीं ये मैटर नहीं कर रहा बट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है सिस्टम्स को मैनेज करना फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपके ऑफिस के ऊपर कोई विंडोज में मसला है तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है कि आपका कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्ट है आपको इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है बट अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई पॉलिसी ऐसी लग गई यूजर लॉगिन नहीं हो पा रहा या ये टूल इंस्टॉल नहीं हो रहा आपसे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हर किसी के इश्यूज नहीं रिजोल्व कर रहा होता उसने अपने साथ एक टीम रखी होती है जिसको टेक्निकल सपोर्ट टीम कहा जाता है इसकी भी जॉब्स आती है मार्केट में टेक्निकल सपोर्ट टीम बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी होती है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी होती है तो ये बेसिकली उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सपोर्ट कर रहे होते हैं बिकॉज़ एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छी पोस्ट है एक अच्छी डेजिग्नेशन है तो वो हर यूजर के पास नहीं जा सकता वो हर आम छोटे छोटे मसलों को वो हैंडल नहीं कर रहा होता उसके पास और काम करने को बहुत है वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन मैनेजमेंट लेवल के टास्क हैं मेन लेवल पे लाइक like डायरेक्टरी को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को मैनेज करना जी को बनाना कन्फिगर करना डी को देखना ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम है बट अगर एक यूजर जो है लॉग नहीं कर पा रहा क्या इशू है ये एक टेक्निकल सपोर्ट बनने का काम है और वो इस इशू को रिजॉल्व करता है तो हम इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करेंगे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे बिकॉज हमारा सारा कोर्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर रहा बिकॉज ये पार्ट स्विचिंग राउटिंग नेटवर्किंग ये चीजें हम पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दैट मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसिस राउटर्स एंड स्विचेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ पीसीज इन ए नेटवर्क